गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग माय फैमिली एंड आई लेसन पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले ये देखिए फैमिली क्या होती है, क्या होती है, जिस पर परिवार, फैमिली क्या होता है, अपना परिवार। फैमिली एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे पर्संस साथ साथ रहते हैं एक ही घर में रहने वाले जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो एक फैमिली बन जाती है। जैसे अभी आपके घर में कौन कौन रहते हैं, भाई बहन चाचा चाची दादा दादी, ये सब मिलकर क्या बन जाती है, एक फैमिली। तो व्हाट इज़ फैमिली, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, एक ही घर में अलग अलग लोग जो साथ साथ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अ फैमिली, वो एक फैमिली होती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये है एक फैमिली ट्री बताया गया है। ये क्या है, एक फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मीन्स क्या है, ये परिवार में कौन कौन लोग होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो अपना परिवार, इसमें देखिए मी कौन है, मी यानी मैं। जैसे अभी आप हो तो ये आप समझ लो इसको, ये यहाँ पर मैं हूँ ये। ओके, मी। अब ये देखिए आपके परिवार में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले जो हम होते हैं वो किसकी संतान होते हैं, माता पिता की, तो माय पेरेंट्स, ये दोनों है मेरे मम्मी, ये मेरे पापा। इसी प्रकार से आपके मम्मी आपके पापा, तो ये है माय पेरेंट्स। अब आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी के भी माता पिता और आपके पापा के भी माता पिता। जो आपके पापा के पापा हैं वो कौन हुए, आपके दादा, ग्रैंड फादर, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड फादर। इसी प्रकार से आपके पापा की मम्मी आपकी ग्रैंड मदर। तो ये आपके पापा की जो फैमिली है, ये वाली यहाँ, ये देखिए, ये जो आपके पापा के मम्मी पापा हैं वो कहलाएंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, क्या कहलाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। और जो मम्मी के माता पिता हैं वो आपके क्या होंगे, नाना नानी, और इधर दादा दादी। तो दादा दादी तो आपके पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और नाना नानी मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी ममेरे, और पेटर्नल यानी अपने पैतृक। तो ये तो हो गए पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और नाना नानी हो गए मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। जो ग्रैंड पेरेंट्स कौन से, दादा दादी। तो आपके मम्मी के माता पिता आपके नाना नानी हो गए, उनको क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। नाना जी को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर, नानी को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। इसी प्रकार से जो आपके दादाजी हैं वो हो गए आपके पैटरनल ग्रैंड फादर एंड पैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, तो ये आपके ग्रैंड फादर हो गए, आपके ग्रैंड मदर हो गए। अब इनके कितने, इनके मान लो आपके पापा, और आपके पापा की भी एक सिस्टर और है, और उनकी भी एक सिस्टर और है। ओके, तो ये आपके पापा, अगर इनके एक भाई और हुए तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अंकल, क्या कहलाएंगे, अंकल। और जो आपके पापा की बहन, आपके पापा की बहन वो क्या होगी, बुआ, क्या बोलते हैं उसको, बुआ, और दूसरी बुआ। तो ये कहलाएगी आपकी पेटर्नल आंट्स, क्या कहलाएंगी, पेटर्नल आंट्स, जो आपके पापा की बहन है। इसी तरीके से आपकी मम्मी, आपकी मम्मी के जो भाई हैं, जो आपके मम्मी का जो ब्रदर है, वो आपका क्या होगा, मामा, क्या होगा, मामा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मैटरनल अंकल, क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। और जो दूसरे मामा हैं वो भी क्या कहलाएंगे, आपके मैटरनल अंकल। तो इसी प्रकार से जो आपके अंकल हुए वो तो अंकल, और जो मामा हुए वो मैटरनल अंकल, और मामी को मैटरनल आंट्स। इसी प्रकार से जो बुआ है वो पैटरनल आंट्स। ओके, अब ये देखिए, अब आपके पेरेंट्स हैं आप हो, इसी प्रकार से आपके मामा मामी के बेटे बेटी हैं, आपके मामा मामी के बेटे बेटी हैं। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके कज़िन ब्रदर, कौन से हैं, कज़िन। तो ये आपके मैटरनल कज़िन हैं, इधर वाले
पैटर्नल कज़िन, जो अपने चाचा चाची से जो आएंगे बच्चे वो आपके पैटर्नल कज़िन और ये मैटर्नल कज़िन। तो इसी प्रकार से ये जो दो फैमिलीज, इनको क्या बोलेंगे अपन, ये एक दूसरे से रिलेटिव रख, ये एक दूसरे के रिलेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिव्स। तो ये आपका एक पिक्टोरियल, फैमिली पिक्टोरियल दिखाया गया है कि किस प्रकार से अपनी फैमिली होती है। अपनी फैमिली में कौन कौन होते हैं? दो, एक तो नाना नानी और दादा दादी। तो ये अपना जो परिवार रहता है ये इधर रहता है और ये नाना का परिवार इधर रहता है। ये दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन? रिलेटिव्स। क्या बोलेंगे? रिलेटिव्स। एक बार और देखिए, नाना नानी तो हो गए आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी हो गए आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, जिनको अपन, अपने दादा को तो ग्रैंड फादर बोलेंगे और दादी को ग्रैंड मदर। इसी प्रकार से मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। तो चिल्ड्रन देखिए, यहाँ पर ये जो फैमिली ट्री बनाया गया है, आप इसको घर पे भी खुद भी बना सकते हो। आप सबके पिक्चर्स कलेक्ट करना, जैसे आपकी, आपके मम्मी पापा की, आपके अंकल आंटी की, आपकी बुआ की, आपके दादा दादी की, फिर ऐसे एक पोस्टर बनाना, उस पर चिपकाना, आपके नाना नानी की, आपके मामा जी मामी, मामा जी मामी, और इनको फिर एक पोस्टर चार्ट बना के उनको अपने रूम में लगाना, फिर वहाँ पर लिखना कि ये मेरे मामा मामी, ये चाचा चाची, ये पूरा आपका एक फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके?